आज हमने किया उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करें तो कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 14,82,385 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 49,931 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 708 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 33,448 पहुँच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना से 3 की मौत, 224 नए मामले। तो राज्य में सोमवार को कोरोना के 224 नए मरीज मिले, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 6,328 हो गई है। वहीं 109 मरीज इलाज के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज हो गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सोमवार को हरिद्वार में 118, नैनीताल में 48, ऊधमसिंह नगर में 30, देहरादून में 10, उत्तरकाशी में 10, अल्मोड़ा में 3, पिथौरागढ़ में 3, रुद्रप्रयाग में 1, जबकि टिहरी जिले में 1 मरीज पॉजिटिव मिला है। जबकि एम्स में भर्ती एक महिला और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक युवक और बुजुर्ग की मौत हो गई। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 6,328 हो गई है। वहीं 3,713 लोग ठीक भी हुए हैं, 2,549 केस एक्टिव हैं, जबकि 66 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 1,447, नैनीताल में 979, टिहरी गढ़वाल में 498, हरिद्वार में 1,247, ऊधमसिंह नगर में 1,055, पौड़ी गढ़वाल में 199, अल्मोड़ा में 270, बागेश्वर में 98, चमोली में 83, पिथौरागढ़ में 108, रुद्रप्रयाग में 70, उत्तरकाशी में 178, चंपावत में 96। तो टोटल मामले 6,328 हो गए हैं। हमारी ताकत बढ़ाने के लिए कल पहुंचेंगे राफेल। तो पहली खेप में फ्रांस से रवाना हुए 5 राफेल बुधवार सुबह जाएंगे अम्बाला। तो चीन से जारी तनातनी के बीच वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 5 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं। करीब 7,000 किलोमीटर का सफर तय कर पांचों विमान बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षित फाइटर पायलट इन विमानों को ला रहे हैं। युवक के माथे में घुसी चाबी देख भड़के लोग तो रुद्रपुर से खबर आए, जहां पर रुद्रपुर में पुलिस की जाति लोगों ने किया पथराव। दरोगा समेत 3 कर्मी निलंबित हो गए हैं। तो वाहन सवारों से अभद्रता की घटनाओं के बाद माथे पर चाबी घोंपने जैसा संगीन आरोप लगने से सीपीयू पर एक और दाग लग गया है। घटना के बाद रनपुरा के लोगों ने सीपीयू की कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने मामला शांत करने के लिए लाठी फटकारी तो पब्लिक भागने के बजाय भड़क गई। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे बचने के लिए पुलिस कर्मियों को भागना पड़ा। रुद्रपुर में बाइक सवार दीपक के माथे में चाबी घोंपने के विरोध में रामपुरा के लोगों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी शुरू कर दी। कोतवाल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को अपनी कार में बिठा करके अस्पताल ले जाने लगे। इस पर भीड़ पीछे पीछे आने लगी। यहां पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, जिस पर लोग भड़क गए और पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया। विधायक राजकुमार ठुकराल के समझाने पर भीड़ का आक्रोश थमा। इसी के साथ खबर आई है, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 200 कांग्रेसियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के विरोध में सोमवार को राजभवन कूच के दौरान सड़क पर जाम करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कांग्रेस के करीब 200 नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने चीन के 47 और ऐप पर लगाया प्रतिबंध। तो पबजी, रेसो सहित 225 और चीनी ऐप सरकार के निशाने पर हैं। तो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की चालबाजियों के बीच भारत ने आर्थिक मोर्चे पर घेराबंदी बढ़ा दी है। चीन के 47 और ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश में 300 पदों पर नौकरी पाने का मौका। तो समूह ग के पदों पर 31 जुलाई से ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म। तो अधीन सेवा चयन आयोग ने समूह ग श्रेणी के 300 पदों पर नौकरी पाने का मौका है। आयोग ने शहरी विकास सहित अन्य विभागों में लेखा लिपिक और व्यक्तिगत सहायक व आंसू लिपिक के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनके लिए 31 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 14 सितंबर रखी गई है। तो चयन आयोग की ओर से सोमवार को समूह ग श्रेणी के 300 पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो इसमें शहरी विकास और लेखा लिपि के 142 पद हैं, वहीं अन्य विभाग में 158 पद हैं। तो अब आवेदन से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन योजना का होगा ऑडिट। तो शासन ने जारी किया आदेश, करीब 1,00,000 कर्मचारी इस योजना से जुड़ेंगे। 337 शिक्षकों को सुगम में लाने की तैयारी, भेजा प्रस्ताव। तो प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को मिलेगा तैनाती।
तो कोरोना महामारी के चलते प्रवेश परीक्षाएं हुई प्रभावित, 12वीं की मेरिट के आधार पर विश्वविद्यालय में मिलेगा दाखिला। तो कोरोना महामारी के चलते इस बार विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाएं भी प्रभावित हुई हैं। यही वजह है कि अब HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर के राज्य के अन्य प्रमुख विश्वविद्यालय 12वीं की मेरिट के आधार पर UG में प्रवेश प्रक्रिया करा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय में खाली सीटों के लिए कल जारी होगी लिस्ट। तो केंद्रीय विद्यालय में इन दिनों दाखिलों की प्रक्रिया चल रही है। कक्षा 2 से लेकर 9 में खाली सीटों के लिए बुधवार को लिस्ट जारी होगी। इस खबर आई है, परीक्षा के विरोध में मंत्रालय को भेजा ज्ञापन। तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI ने कोरोना महामारी के बीच फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने का विरोध किया है। सेवा योजन में पहले दिन सभी 50 कूपन बुक हुए। तो क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में सोमवार को करीब 4 माह बाद पंजीकरण से लेकर के नवीनीकरण तक के कार्य शुरू किए गए। कॉलेजों को जल्द मिलेंगे 426 असिस्टेंट प्रोफेसर। तो प्रदेश में कॉलेजों को जल्द ही 426 असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेंगे। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर कुमकुम रोतेला ने कहा कि इसके चयन की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश में 104 सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है। तो कांग्रेसियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है। राजभवन घेरने निकले कांग्रेसी नेताओं ने हाथी बड़कला, बैरिकेडिंग पर दिया धरना। इसी के साथ खबर रही है, हरीश रावत ने उठाया फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का मुद्दा। तो पूर्व CM हरीश रावत ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का परीक्षा का मुद्दा उठाते हुए प्रदेश सरकार से पूछा कि वह कुछ युवाओं को दंड क्यों दे रहे हैं। रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को युवाओं के इस सवाल का जवाब देना चाहिए। सरकार को यह स्पष्ट बता देना चाहिए कि इस दिन फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का परिणाम सामने आएगा। उत्तराखंड के गाँवों को मिलेगा उजाले का कवच। तो रात के अंधेरे में बाघ और भालू के हमलों के सदैव भय से जिंदगी गुजार रहे पहाड़ को सरकार उजाले का सुरक्षा कवच देने जा रही है। योजना के तहत राज्य की 7950 ग्राम पंचायतों में 3,97,000 से अधिक LED स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। प्रदेश में स्मार्ट राशन कार्ड बनाने का काम शुरू हो गया है। जल्द ही राशन कार्ड धारक परिवारों को नए कार्ड वितरित किए जाएंगे। प्रदेश में 23 लाख से अधिक परिवारों को स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे। कोरोना महामारी के कारण कार्ड बनाने की प्रक्रिया में देरी हुई थी। बढ़ते संक्रमण के बीच उद्योगों में टेस्टिंग की चिंता। तो बड़े पैमाने पर कोरोना की जाँच के लिए जिले में कोई लैब नहीं है। बाहर की लैब में भी लंबी वेटिंग लगी हुई है। देहरादून की 4 लैब में लंबा इंतजार लग रहा है। तो देहरादून के 4 लैब में कोरोना की जांच हो रही है, लेकिन यहां भी इतना बैकलॉग है कि कोई जांच कराना चाहे तो काफ़ी समय लगेगा। कोरोना संक्रमित जवान की मौत। तो कोविड अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित SSB के ASI ने हायर सेंटर ले जाते समय घाट पनार के पास दम तोड़ दिया। तबीयत खराब होने के कारण उन्हें 22 जुलाई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। भूस्खलन में मकान जमींदोज माँ बेटे समेत 3 की मौत। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, जहां पर बंगा पानी पिथौरागढ़ सीमांत क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से बंगा पानी तहसील के धामी गांव में हुए भूस्खलन से एक मकान जमींदोज हो गया। मलबे में दबने से माँ बेटे और तेजम तहसील के गुठी गांव में पहाड़ी से हुए भूस्खलन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। NDRF और पुलिस की टीम ने मलबे में दबे शवों को बाहर निकाल लिया है। मौसम के कहर से मुंशियारी और धारचूला विकास खंडों के लोग भयभीत हैं। जिले में बारिश से 21 सड़कें भी बंद हुई हैं। मेधावी छात्रों के लिए सरकार खोलेगी कॉलेज। तो मुख्यमंत्री ने कहा है, तो प्रदेश सरकार मेधावी छात्रों के लिए कक्षा 6 से 12 तक एक अलग कॉलेज की स्थापना करेगी। इसमें गरीब प्रतिभावान छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जंगली मशरूम खाने से बच्चे की मौत हो गई है। तो नौगांव उत्तरकाशी से खबर आई है, जहां पे जंगली मशरूम की सब्जी खाने से हुई फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हो गए, इनमें से एक बच्चे की मौत हो गई। शिक्षकों की खाली पदों पर होगी तैनाती। तो शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि प्रदेश में सहायक अध्यापक से लेक्चरर के पद पर जिन शिक्षकों के प्रमोशन किए गए हैं उनकी खाली पदों पर काउंसलिंग के माध्यम से तैनाती की जाएगी। सचिवालय में मीडिया से वार्ता में उन्होंने कहा कि खाली पद भरने के बाद जरूरत पड़ने पर विभाग की ओर से गेस्ट टीचरों को छेड़ा जाएगा। प्रमोशन के लिए दुर्गम में सेवा की बाध्यता हो सकती है समाप्त। तो अपर मुख्य सचिव के साथ हुई मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन की बैठक में ये निर्णय लिया गया है।
आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर के उत्तराखंड ओबीसी वर्ग में असंतोष है, तो वेतन और खेती की आय को जोड़े जाने की संभावना से नाराज हैं। 30 गांवों के लोगों को मालिकाना हक मिलेगा, तो 2 अक्टूबर को पीएम सौंप सकते हैं इन गांवों के लिए लोगों को संपत्ति के स्वामित्व कार्ड। तो प्रदेश में 2 अक्टूबर को करीब 30 ग्राम पंचायतों में रह रहे लोगों को प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्ड उपलब्ध करा सकते हैं। बात करते हैं देहरादून की खबरों की, तो हाथी ने जान गंवाई, उधर विभागों में छिड़ी लड़ाई। तो नरकोदा के पास रेलवे लाइन पर बनी पुलिया से गिरकर के हाथी के बच्चे की मौत हो गई। वन विभाग का दावा है कि हाथी के बच्चे की मौत जनशताब्दी एक्सप्रेस की टक्कर से हुई है। विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं में ट्रेन के दोनों ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। उधर रेलवे ने ट्रेन से टक्कर की बात से साफ इनकार कर दिया है। सुद्धवाला जेल में 33 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो सुद्धवाला स्थित जिला जेल में कैदियों की कोरोना संक्रमित पाए जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। सोमवार को 33 कैदियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं अब तक सुद्धवाला जेल में 66 कैदियों को कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। मसूरी दून मार्ग 2 घंटे तक बंद रहा, तो सड़क पर मलबा आने से परेशान दोनों तरफ वाहनों की कतारें लगी रही। 7 दिन में 7,000 से ज़्यादा आवेदन हुए हैं, तो केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 के दाखिले की दौड़ मुश्किल होती जा रही है। महज 7 दिन में 7,000 से अधिक बच्चों ने आवेदन किया है। 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, तो प्रदेश में 6 जिलों के कई क्षेत्रों में मंगलवार को भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर और पौड़ी जिलों की कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं बिजली गिरने का अनुमान भी है। मौसम केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून और आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के कुछ दौर भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मौसम का फिलहाल यही रुख रहेगा। मसूरी में अतिक्रमण पर बोर्ड बैठक में हंगामा, तो मसूरी पालिका की बैठक में सभासदों ने उठाया मुद्दा, अध्यक्ष ने भी दिया कार्रवाई का आश्वासन। दून में कई महिलाओं ने थामा आम आदमी पार्टी का हाथ, तो कहा भाजपा और कांग्रेस नहीं उतरेगी उम्मीदों पर खरी। तो कई भाजपा और कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने सोमवार को आम आदमी पार्टी यानी आप का दामन थाम लिया। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए आवश्यक जोर दिया है। देहरादून से खबर है जहां पे मास्क न पहनने पर 4,600 लोगों का चालान किया है। इसी के साथ खबर आई है एसजेआरआर विश्वविद्यालय में इस सत्र से पढ़ाई जाएगी गढ़वाली। तो श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में इसी साल से गढ़वाली भाषा और संस्कृत की पढ़ाई होगी। बंदियों का होगा टेस्ट, बनेंगे अस्थायी जेल। तो कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रदेश की सभी जेलों के बंदियों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीज का ऋषिकेश एम्स में मौत हो गया है। बात कर लेते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सोल्जर टेक्निकल के पदों पर मौका, तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है, तो इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं ग्रुप बी के पदों पर भर्ती निकली हुई है, टोटल पद यहां पर 62 हैं। तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में वैकेंसी निकली हुई है, तो इसके लिए यहां पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर दी गई है। साथ ही मेडिकल ऑफिसर सहित कई पद खाली हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग से ये वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 121 पद हैं, तो इसके लिए upsconline.nic पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 13 अगस्त तक रखी गई है। वहीं सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार, तो 22 पद हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर के पूरी डिटेल देख सकते हैं। वहीं खबर आई है कालसी से, जहां पे टोंस नदी में गिरी पिकअप, चालक लापता, एक घायल। तो हरिपुर कोटी मीनस मार्ग पर छिबरो पावर हाउस के पास एक तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर के 200 मीटर नीचे टोंस नदी में जा गिरी। वाहन के खाई में गिरते ही परछक्के उड़ गए। वाहन चालक नदी की तेज धारा में लापता हो गया, जबकि वाहन स्वामी छिटक कर दूर झाड़ियों में जा गिरा। उसे गंभीर चोटें आई हुई हैं। घर भेजने का झांसा देकर के किया था नाबालिग से दुष्कर्म, तो बालिका निकेतन से गायब किशोरी
जिसकी हवस का शिकार बनी थी वह भी नाबालिग निकला। आरोपी ने किशोरी को दिल्ली उसके घर भेजने का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पूछताछ के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची, जिसके बाद उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया। तो बता दें कि 24 जुलाई को एक किशोरी बालिका निकेतन केदारपुरम से बिना बताए कहीं चली गई। अधीक्षक बीना डबराल ने नेहरू कॉलोनी थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। रविवार को पुलिस ने किशोरी को रेलवे स्टेशन के पास से बरामद किया। पूछताछ में पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। वह अपने घर दिल्ली जाना चाहती थी, इसके लिए वह हर्रावाला रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां उसे एक युवक मिला, उसने वादा किया कि वह उसे दिल्ली वाली ट्रेन में बिठा देगा। इसके लिए उसने 200 रुपये किशोरी को दिए और दुष्कर्म किया। यही नहीं, कथित युवक ने उसे और पैसे देने के लिए अपना नंबर, नाम, नंबर और निवास स्थान भी बता दिया। इस पर जब किशोरी ने अगले दिन किसी राहगीर के फोन से उससे संपर्क किया तो कथित युवक ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, ऐसे में वह उसे अभी दिल्ली नहीं भेज सकता। इधर इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने उस युवक को पकड़ा है। सेवा योजन विभाग देगा निशुल्क कोचिंग। तो सेवा योजन कार्यालय की ओर से अनुसूचित जाति और जनजाति एवं पिछड़ी जाति के बेरोजगार युवाओं को के लिए टाइपिंग और सामान्य ज्ञान परीक्षाओं को की निशुल्क कोचिंग दी जाएगी। जीपीओ में रात 10 बजे तक खुला रहेगा राखी काउंटर। इसी साथ खबर है, कौशल विकास के लिए खोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है, तो मुख्यमंत्री ने डोईवाला में किया तहसील और महिला छात्रावास के भवन का शिलान्यास। यमुना मंदिर पर भूस्खलन का खतरा, तो तीर्थ पुरोहितों ने प्रशासन से की सुरक्षा के इंतजाम किए जाने की मांग। वहीं राम मंदिर को ले गए बद्री केदार व गंगोत्री की मिट्टी। जंगली मशरूम खाने, मशरूम की सब्जी खाने से बच्चे की मौत हो गई। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, उत्तरकाशी से खबर आई जहाँ पे बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले 12 लोग संक्रमित मिले हैं। तो जिले में सोमवार को 12 लोगों में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इसमें अधिकांश बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं। टिहरी में कोरोना संक्रमण के 2 नए केस आए हैं। इसी के साथ खबर आई है पुरोला उत्तरकाशी से, जहां पर जल विद्युत परियोजना क्षेत्र को बनाया कंटेनमेंट जोन। वहीं मोरी व्यापार मंडल ने 10 अगस्त तक लॉकडाउन किया है। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पर रुद्रप्रयाग में लोक निर्माण विभाग के 45 कर्मियों समेत 49 के सैंपल निगेटिव आए हैं। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर युवक को हिरासत में लेने पर परिजनों ने किया हंगामा। तो SC ST एक्ट के तहत दर्ज है युवक पर मुकदमा। तो SC ST एक्ट में एक व्यापारी के बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। 3 दिन से जिला अस्पताल में भर्ती युवक को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के दौरान परिजनों ने जमकर हंगामा किया। श्रीनगर से खबर है, जहां पर ओपन जिम और पार्क में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। देहरादून और हरिद्वार के लिए सीधी रोडवेज बस सेवा शुरू हो गई है। तो कोटद्वार से यूपी के नहर वाले रास्ते पर आवाजाही कर रही बसें रास्ते में नहीं बिठाई जा रही हैं सवारियां। तो उत्तराखंड परिवहन निगम ने सोमवार से प्रदेश की राजधानी देहरादून और हरिद्वार के लिए कोटद्वार से सीधी बस सेवाएँ शुरू कर दी हैं। इसी साथ खबर आई है श्रीनगर से, जहां पे परीक्षा कराने के विरोध में धरने पर बैठे तो छात्रों ने की असाइनमेंट और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग। श्रीनगर से खबर आई, जहां पे सड़क निर्माण के समझौते पर मृतक के फर्जी हस्ताक्षर का मामला सामने आया। तो मृतक के बेटे ने SDM तहसीलदार से शिकायत की है। हरिद्वार से खबर आई है, जहां पर 5 हाथियों से होगी राजा जी पार्क में बाघों की निगरानी। वही राम मंदिर निर्माण के लिए हर की पेड़ी से भरा गंगा जल और बालू। वही मध्य प्रदेश के राज्यपाल टंडन की अस्थियां गंगा में विसर्जित की गई हैं। मरीजों के संपर्क में आए 45 लोग संक्रमित मिले हैं। तो हरिद्वार से खबर आई है। इसी के साथ खबर है रुड़की से, जहां पे टेस्ट किट से दुष्कर्मी पर जल्द कसेगा शिकंजा। तो दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल जांच में होने वाली लेट लपीती अब बीते दिनों की बात हो गई है। टेस्ट किट के जरिए पीड़िता की मौके पर ही मेडिकल जांच हो पाएगी। हरिद्वार में 125 शिक्षकों की 30 को होगी पदोन्नति। तो 2 सप्ताह पूर्व शिक्षकों के प्रमोशन के लिए विकल्प मांगे गए थे।
डेंगू और मलेरिया को लेकर के स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कस्बे में शुरू किया डोर टू डोर सर्वे। सिलेंडर लेने के से पहले बताना होगा कोड, तो अब आपके घर पर बुकिंग हुए सिलेंडर की डिलीवरी चाह कर भी किसी दूसरे घर में नहीं हो सकेगी, क्योंकि सिलेंडर की डिलीवरी उसी व्यक्ति को होगी जो सिलेंडर बुक करते समय प्राप्त हुई डीएसी कोड की जानकारी देगा। तो ये जो प्रोसेस है वो 1 अगस्त से लागू होने जा रही है। इसी के साथ खबर है हरिद्वार से, जहां पे चालान काटने पर सीपीयू के खिलाफ भड़के लोग, तो कागज नहीं दिखा पाने पर सीपीयू ने युवक का किया था 8,000 का चालान। लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा, थाने में जमानत, तो हरिद्वार से खबर है जहां पे बर्थडे मनाते हुए कनखल पुलिस के हाथे चढ़े 7 युवकों और युवती पर लॉकडाउन के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर उन्हें थाने से जमानत दे दी गई है। पुलिस ने जांच के बाद बताया कि यह लोग किसी के घर में नहीं बल्कि एक बंद गेस्ट हाउस में पार्टी कर रहे थे। पथरी से खबर आई है जहां पर लापता युवक का शव नाले में मिला है। हरिद्वार में राज्यपाल ने किया रुद्राभिषेक, तो पूजा के बाद डीएम और एसएसपी ने ली कुंभ कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट। वहीं पथरी से खबर आई जहां पर यूरिया खत्म होने पर किसानों ने हंगामा किया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो सितंबर तक होने लगेगी 2500 सैंपलों की जांच। तो कोरोना में मेडिकल कॉलेज में एक ट्रू नेट मशीन और खरीदा जाएगा। जमीन के विवाद में फायरिंग हंगामा, तो खबर आई है रानीखेत से, जहां पे ताड़ीखेत ब्लॉक के बलियाली गांव में कृषि भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए ग्रामीण और बाहर से आए लोगों के बीच विवाद हो गया। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे एक डॉक्टर की बेटी भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। सेवानिवृत्त पर मुख्य न्यायाधीश रंगनाथन को विदाई दी गई, तो वरिष्ठ न्यायाधीश मलिमत बोले, सीजे के ऐतिहासिक फैसले हमेशा याद रहेंगे, 21 माह के कार्यकाल की सराहना की है। न्याय के लिए गोलजी दरबार पहुँचे व्यापारी, तो देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए न्याय दिलाने के लिए सोमवार को हीरानगर स्थित गोलजू दरबार में अर्जी लगाई। भूस्खलन से बिड़ला रोड बंद हो गया है, तो नैनीताल से खबर आई है। वहीं वारंटी को गिरफ्तार करने पहुंची यूपी पुलिस का विरोध किया है, तो मुरादाबाद से वारंटी को गिरफ्तार करने आई पुलिस को सोमवार रात विरोध का सामना करना पड़ा। इसी के साथ खबर है स्कूलों में 300 से ज़्यादा बसें सरेंडर, तो बोले निजी स्कूल संचालक, लॉकडाउन में बसें खड़ी हैं फिर भी जमा करना पड़ रहा है टैक्स, पेनल्टी भी देनी पड़ रही है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो कहीं जगाई उम्मीद तो कहीं टूट गई आस, तो सीमांत जिले में 108 एम्बुलेंस में पिछले 3 दिनों से रोज एक प्रसव हो रहा है। आपदा ग्रस्त क्षेत्र धारचूला से हर रोज प्रसव पीड़िताओं को जिला महिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। आफत की बारिश, धामी गांव और खेत भराड़ में खतरे की जद में 23 परिवार, तो पहाड़ों में भारी मात्रा में मलबा घुसने और ऊपरी हिस्से में खाई बनने से खतरा बढ़ता जा रहा है। बंगा पानी बोल्डर गिरने से क्षतिग्रस्त बिजली परियोजना की पाइपलाइनें। वहीं मकानों के खतरे की जद में आने के बाद टेंटों में इस तरह कट रहे हैं आपदा पीड़ितों के दिन, तो टेंट के एक कोने में चूल्हे पर रोटियां बनाती मुंशियारी थापा गांव की महिलाएं। इसी के साथ खबर आई है पौधे रोपे हैं तो ख्याल भी करो जनाब, तो चंपावत जिले में हरेला पर बड़ी संख्या में पौधे रोपण के 11 दिन बाद अकाल मौत की बढ़ रहे हैं पौधे। मेडिकल कॉलेज सहित सभी संस्थान जल्द हों संचालित, तो कांग्रेस ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, फूड क्राफ्ट संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, साइंस सिटी पार्क का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं होने पर रोष व्यक्त किया है। इसी के साथ पिथौरागढ़ से खबर आई जहां पे कोरोना संक्रमित एसएसबी जवान की मौत हो गई है। टनकपुर से खबर आई जहां पे एक ही परिवार के 3 और कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। पिथौरागढ़ से खबर आई जहां पे कोरोना फैलने का खतरा, बेपरवाह दिख रहे हैं लोग। इसी के साथ पिथौरागढ़ से खबर आई जहां पे शिवालयों में भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की है।
अभद्रता पर आशाओं ने किया प्रदर्शन, तो दोषी अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी के साथ खबर आई है, SSJ विश्वविद्यालय टीम ने किया PG कॉलेज का भौतिक सत्यापन, तो PG कॉलेज की कई विषयों को स्थायी और अस्थायी स्वीकृति दी है। बात करते हैं उधमसिंह नगरों की खबरों की, तो युवक के माथे में घुसी चाबी देख भड़के लोग, तो खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे पौने दो घंटे तक सड़क पर चलता रहा हंगामा। DG लॉ एंड ऑर्डर ने लिया संज्ञान, SSP से फोन पर बात की है। तो बवाल थमने के बाद SSP ने अधीनस्थों से पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं खबर आई है, हर बार CPU ही निशाने पर क्यों, तो सवा साल पहले भी CPU से विवाद पर हुआ था बवाल। स्मैक और रुपए छीनने के लिए हुई थी विपिन की हत्या, तो आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोबाइल हुआ बरामद, 13 अक्टूबर को लापता युवक का शव 21 अक्टूबर को बरामद हुआ था। इस खबर है रुद्रपुर से, जहां पे फंदे पर लटका मिला नवविवाहिता का शव, तो 5 माह पूर्व ही की थी लव मैरिज, गर्भवती थी करुणा। इसी के साथ खबर है सितारगंज से, जहां पे पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनेगी अस्थायी जेल, तो सितारगंज से खबर आई है। वहीं अब ऋषिकेश एम्स का सैंपलों की जांच से इंकार, तो उधमसिंह नगर में कोरोना संदिग्धों के सैंपल की जांच के लिए गुरुग्राम की लैब में हुआ अनुबंध। कोरोना पॉजिटिव आई गर्भवती महिला को रुद्रपुर भेजने को लेकर के हंगामा हुआ है। देहरादून की गैंगस्टर ने की थी LIU इंस्पेक्टर की घर चोरी, तो अधिवक्ता की कार की फर्जी नंबर प्लेट लगा करके आए थे चोरी करने, गैंगस्टर गिरफ्तार कर दिए गए हैं। वहीं खबर है किच्छा से, जहां पे भैंस के आगे बीन बजा करके प्रदर्शन किया है, तो कांग्रेस नेताओं ने किच्छा में प्रदर्शन किया।